कम से कम खाना खाते वक्त तो फोन मत यूज कर, खाने पे ध्यान दे ले। खा तो रही हूँ, आप मुझे मत बताओ क्या करना है। हाँ भाई, तो बड़ी हो गई है अब। चाहिए बता, आप शाम को क्या खाएगी? कुछ भी बना दो। कल भी बनाया था मैंने, वो तूने खाया नहीं, इसीलिए पूछ रहा क्या खाएगी। कल बाहर से खा के आई थी, अब मैं लेट हो रही हूँ। चलो बाय बाय। अरे कम से कम पूरा खाना तो खा ले। अच्छा तुम आराम से जाइयो। सुशी, ये कोई टाइम है घर पे आने का? अरे काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। चिल। तो एक बार कॉल कर देती, इन्फॉर्म कर देती कि काम ज्यादा है, लेट आऊंगी भैया। इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। भैया आई एम ऑल ग्रोन अप नाउ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। एक तो पापा की शर्त कि आप दिल्ली में रहोगे तभी मैं जॉब कर सकती हूँ, और ऊपर से डोंट ट्राई टू कंट्रोल माई लाइफ, पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी का बाप नहीं बन रहा। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बच्चा। और ये बता, तूने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मुझे हाइड क्यों किया? आई डोंट नीड योर प्रोटेक्शन, इसी चीज की वजह से मैंने आपको हाइड किया। डोंट स्पाई मी। अरे मैं स्पाई स्पाई नहीं कर रहा, बस तेरी वो बचपन की बेड टाइम स्टोरीज छूट गई, इसलिए मैं तेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख के सो जाता हूँ। अच्छा चल, हाथ पैर मुधुल और आज साथ में खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। सॉरी, भूल गई आपको बताना कि मैं बाहर से खा के आई हूं। हेलो, आई टोल्ड यू स्टोरी लिखना इतना इजी नहीं है, मैं सुबह तक भेज दूंगी। आई नो आज का डेडलाइन था पर क्लाइंट आ गए तो मैं क्या करूं, मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। मैं सुबह तक भेज दूंगी। इफ यू कीप ऑन कॉलिंग मी हाउ विल आई कंप्लीट इट, प्लीज जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी। मैं कोई मदद करूं तेरी ये स्टोरी लिखने में? अब क्या हेल्प करोगे भैया, ये कोई बिजनेस डील नहीं है या किसी क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं करना है, स्टोरी लिखनी है, क्रिएटिव काम है। थैंक यू पर आप क्या ही करोगे सर, सो जस्ट लीव मी अलोन, आई विल फिगर इट आउट। आई एम सॉरी भैया, मैं भूल गई थी कि आप कितने अच्छे स्टोरी टेलर हो। बचपन की तरह आज भी कहानी सुनाकर सुला दो ना। पागल, सॉरी मत बोल, लेकिन जो आज मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा ना, तू वहां जाके पिच करेगी ना तो वो यूं एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है?